मैदनाथ पारा में क्रिस्टल चौक पर, मदरसा चौक पर, मैं मदरसे में जाकर बैठ गया तो मैं बच गया। मेरी कालर पत्नी मुझे मारने की कोशिश की, मेरे पीएसओ ने तुरंत मुझे घसीट कर ले गए। और क्योंकि मदरसे में मैं मौलवी साहब से मिलने हर बार जाता हूँ, जब भी मैदनाथ पारा के दौरे पर जाता हूँ, तो मैं जाकर वहाँ पर बैठ गया तो मैं बच गया। अदरवाइज उनका हम लोग घुसे हुए थे। ये जितने लोग हैं, ये अनवर ढेबर और एजाज ढेबर के लोग हैं। जिनको भूपेश बघेल जी ने महंत को जिम्मेदार जिताने की जिम्मेदारी दी है, और वो साम दाम दंड भेद एन के प्रकारे गुंडागिर्दी करके हमने शिकायत भी की है कि हमारे कार्यकर्ताओं को धमकी दे रहे हैं। सरकारी आवास में एजाज ढेबर बैठ कर राजनीति कर रहा है, परंतु शासन प्रशासन उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। अगर मेरे ऊपर हमला कर सकते हैं, मेरे साथ सैकड़ों कार्यकर्ता थे, इसलिए मैं बच गया। अगर आम आदमी होता तो उसको खत्म कर कोई साजिश थी आपके खिलाफ, साजिश थी, और वो साजिश का ही परिणाम है कि उन्होंने मेरे ऊपर हमला करने की कोशिश। आगे क्या रुख रहेगा ब्रजमोहन जी? आप आगे हमारा रुख रहेगा, पूरे रायपुर की जनता को साथ लेकर इनको सबक सिखाएंगे। तो ये